मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों से अपने विचार साझा किए हैं। ये मन की बात कार्यक्रम का 15वां और इस साल का आखिरी संस्करण था। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री ने संबोधन में कौन सी खास बातें कही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको नमस्कार। सरकार 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत करेगी। रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने युवाओं से नवाचारों की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर लेके आई है। मेरे नौजवान साथियों, 16 जनवरी को भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया उसका पूरा एक्शन प्लान लॉन्च करने वाली है। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। ये स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया कुछ शहरों में सीमित नहीं रहना चाहिए, हिंदुस्तान के हर कोने में फैलना चाहिए। और इसे मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह कर रहा हूँ, इस बात को हम आगे बढ़ाएं। विशेष रूप से सक्षम लोगों को प्राप्त खास योग्यता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से उन्हें विकलांग की जगह दिव्यांग कहने का आह्वान किया। क्यों न हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें। ये वो लोग हैं जिनके पास वो ऐसा एक अंग है या एक से अधिक ऐसे अंग है जिसमें दिव्यता है, दिव्य शक्ति का संचार है, जो हम सामान्य शरीर वालों के पास नहीं है। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मेरे देशवासी, हम आदतन विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द को प्रचलित कर सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री ने 12 जनवरी 2016 को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर देश के युवाओं से सुझाव भी मांगे। पीएम मोदी ने बताया कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में रायपुर में 12 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 1995 से 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती को एक नेशनल यूथ फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यह 12 जनवरी से 16 जनवरी तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में होने वाला है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संविधान पर हुई चर्चा की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पर भी बल देता है। गौरतलब है कि इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह ऐसे मौके पर है जब राष्ट्र संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती समारोह मना रहा है। हमारा संविधान हमें बहुत अधिकार देता है और अधिकारों की चर्चा सहज रूप से होती है और होनी भी चाहिए, उसका भी उतना ही महत्व है। लेकिन संविधान कर्तव्य पर भी बल देता है, लेकिन देखा यह गया है कि कर्तव्य की चर्चा बहुत कम होती है। जब इस वर्ष हम बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती मना रहे हैं, तो क्या हम 26 जनवरी को निमित्त बना करके स्कूलों में, कॉलेजेज में, अपने गांवों में, अपने शहर में, भिन्न भिन्न सोसाइटीज में, संगठनों में कर्तव्य इसी विषय पर निबंध स्पर्धा, काव्य स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा ये कर सकते हैं क्या? अगर 125 करोड़ देशवासी कर्तव्य भाव से एक के बाद एक कदम उठाते चले जाएं, तो कितना बड़ा इतिहास बन सकता है। पीएम मोदी ने सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार पर जोर देते हुए कहा, लोगों को योजनाओं से मिल रहे फायदों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। पिछले दिनों भारत सरकार ने एक प्रयास किया कि योजना के जो हकदार हैं उनके पास सरलता से लाभ कैसे पहुंचे। हमारे देश में गैस सिलेंडर में सब्सिडी दी जाती है, करोड़ों रुपया उसमें जाते हैं, लेकिन ये हिसाब किताब नहीं था कि जो लाभार्थी है उसी के पास पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, सही समय पर पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। सरकार ने इसमें थोड़ा बदलाव किया, जनधन अकाउंट हो, आधार कार्ड हो, इन सब की मदद से विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के द्वारा सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में सब्सिडी पहुंचना। देशवासियों के बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि अभी अभी ग्रीनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे स्थान मिल गया कि दुनिया की सबसे बड़ी
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है जो सफलतापूर्वक लागू कर दी गई है। पहल नाम से ये योजना प्रचलित है और प्रयोग बहुत सफल रहा है। बगैर मेहनताना लिए 100 से ज्यादा शौचालयों का निर्माण करने वाले मध्य प्रदेश के कारीगर दिलीप सिंह मालविया की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को ऐसे नागरिकों पर गर्व है। छोटे से गांव के दिलीप सिंह मालविया, उन्होंने तय किया कि गांव में अगर कोई मटेरियल प्रोवाइड करता है तो शौचालय बनाने के लिए जो मजदूरी लगेगी वो नहीं लेंगे और वो मुफ्त में मिशन के नाते काम करते हुए शौचालय बना देंगे। भोजपुरा गांव में उन्होंने अपने परिश्रम से मजदूरी लिए बिना, ये काम एक पवित्र काम है इस मान करके, अब तक उन्होंने 100 शौचालयों का निर्माण कर दिया है। मैं दिलीप सिंह मालविया को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ। प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी के अवसर पर देशवासियों से महापुरुषों की प्रतिमाएं और उसके आसपास के परिसर को स्वच्छ रखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को नववर्ष 2016 की शुभकामनाएं भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।